अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि 2020 शुरू हो गया है तो कुछ नया सेटअप भी करेंगे। देन आई स्टार्टेड दिस वॉल, और इस वॉल पे मैं वीडियोस जो है वो शूट करूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। अगर मुझे कुछ और पसंद आ गया तो हाँ कर लूँगा, बट फिलहाल के लिए ये वाली वॉल ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मैसे बासी बैक विद अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस के कॉन्सेप्ट फ़ोन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा कूल है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जिसके बारे में वन प्लस ने कुछ बताया है। एंड यहाँ पर वन प्लस के 3 न्यू फोन्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूँगा जो रिलीज़ होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिजी हैं किसी काम में तो उसे वाइंड अप कर लें, अगर आप नहीं हैं तो ये वीडियो देख लें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहले इंट्रो आता था, अब इंट्रो मैंने ख़त्म कर दिया, इंट्रो की ज़रूरत नहीं है वैसे, मैंने ये बात कंसीडर ली है, इंट्रो मैंने अब छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वन प्लस ने एक नया फ़ोन शोकेस किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है वन प्लस का कॉन्सेप्ट फ़ोन वन। अब ये फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग किया है। बैक पर जो कैमराज हैं उन्हें हाइड करती हैं, एक स्पेशल किस्म का ग्लास पीछे की तरफ लगाया है, जिसे इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास कहा जाता है। दोस्तों, इसे इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास कहते हैं, और ये ग्लास क्या करता है दोस्तों, ये बैक के कैमराज को हाइड कर देता है। और जिसमें इस फोन में क्या होगा, एक्चुअल में आपके जो बैक कैमराज हैं वो हाइड हो जाएंगे, जब आपको ज़रूरत होगी आप उन कैमराज को दिखा देंगे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यू एंड इंटरेस्टिंग है, और हम देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। बट ये कॉन्सेप्चुअल टेक्नोलॉजी है जो वन प्लस से अपने कॉन्सेप्ट फोन में हमें एक वीडियो में छोटे से क्लिप में दिखाई है। अब ये वाली जो कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी है ये हमें देखने को मिलेगी उनके CES इवेंट पर, और वहीं पर 3 न्यू फोन भी देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर वन प्लस के जो 3 न्यू फोन हैं जिनका नाम है वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो एंड वन प्लस 8 लाइट। सबसे पहले दोस्तों, वन प्लस 8 लाइट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो वन प्लस 8 लाइट काफ़ी यूनिक सा फ़ोन है, क्योंकि लाइट का नाम वन प्लस की कैटेगरी में सबसे पहला आया है। मतलब लाइट वेरियंट तो कंपनीज निकालती रहती है, बट वन प्लस ने पहली दफ़ा कोई लाइटर वेरियंट निकाला है। ये लाइट वेरियंट में कुछ चीज़ें काम की गई, इसमें 6.3 इंच का एक डिस्प्ले दिया गया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। तो अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो होप्स मेन डिस्प्ले कैमरा एंड फिंगरप्रिंट भी होगा। एंड यहाँ पे एक पंच होल वाला डिज़ाइन दिया गया है, वही जो नोट 10 में दिया गया है, वही जिसको जैसे मैंने आपको बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी A51 के अंदर भी आपको वैसा ही कैमरा डिज़ाइन दिया गया, तो ये वैसा ही कैमरा डिज़ाइन है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करी जाए, यहाँ पे आपको मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1000 देखने को मिलता है। ये एक अपर मिड रेंज का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर अगर इसकी प्राइस कुछ होती है अच्छी होती है अपर मिड रेंज की, तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अदर 2 डिवाइसेस की बात करूँ, जहाँ पर वन प्लस 8 प्रो एंड वन प्लस 8 आते हैं, तो मैं वन प्लस 8 की बात करूँ तो इसमें आपको दिया गया है एक OLED डिस्प्ले जो कि पंच होल वाला है। यहाँ पर पंच होल दरमियान में नहीं है, मैंने दोस्तों आपको बताया वन प्लस 8 लाइट के दरमियान में है, यहाँ पे एक कोने में है S10 की तरह, कोने में दिया गया S10 की तरह सुपर AMOLED, यहाँ पर OLED पैनल वाली टेक्नोलॉजी है, और इसमें डिस्प्ले एक फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा आपको। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं सेकंड वन प्लस 8 प्रो के बारे में बात करूँ, तो जब वन प्लस 8 प्रो जो है ये इसमें भी आपको OLED पैनल देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर इसके अंदर भी आपको सुपर यहाँ पर OLED पैनल देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर आपको। एंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ पंच होल वाला कैमरा भी देखने को मिलेगा इस वाले फ़ोन में, ये भी लेफ्ट की तरफ है जैसा कि आपको S10 देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर वन प्लस जो है उन्होंने चूँकि पॉपअप सेल्फी कैमरा था उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है अपने पुराने फ़ोन में, बट यहाँ पर उन्होंने किसी भी आप जो कि सेल्फी कैमरा है वहाँ पॉपअप उस पर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया है वन प्लस ने, बट यहाँ पर वन प्लस ने ऐसा कर दिया है। एंड यहाँ पर वो पंच होल का यूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और मेरे अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।